हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में स्वागत है। और ये वीडियो ना ही कोई साइंस वीडियो होने वाला है और ना ही कोई फैक्ट्स से रिलेटेड वीडियो होने वाला है। ये एक अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाला है रेडमी 9 का, और इसमें हम लोग इसको बताएंगे कि ये इसका ओवरव्यू क्या कैसा है और फ़ोन का एक्सपीरियंस कैसा है और आप लोगों को ये फ़ोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और एक चीज़ कि ये फ़ोन मेरा नहीं है, ये मेरा एक दोस्त का है जो कि कल ही फ्लिपकार्ट से डिलीवर हुआ है, और मैंने सोचा कि इसका वीडियो बना लूँ। तो शुरू करते हैं बिना किसी काट झाट के। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरे हाथ पर रेडमी 9 का डब्बा है, और इसको अनबॉक्स करने से पहले मैं आप लोगों को इसके डब्बे के ऊपर ऊपर के कुछ चीज़ें लिखे हुए हैं उसको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं जैसे कि ये 464 वेरियंट है और इसका कलर स्काई ब्लू है। और अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो यहाँ पर तो लिखा हुआ है 10,999, लेकिन ओरिजिनल इसको पड़ा 9,999। और जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इस पर मीडियाटेक हीलियो G35 विथ हाइपर इंजन 1.0 वर्जन के साथ मौजूद है। और इसकी बैटरी की बात की जाए तो 5000 mAh का बैटरी भी दिया गया है, जो कि इस प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छा और तगड़ा है। और कैमरा की बात की जाए तो पीछे की तरफ आप लोगों को देखने को मिलता है 13MP प्लस 2MP रियर कैमरा। और अगर इसकी स्क्रीन की बात की जाए तो इसका स्क्रीन का साइज 6.53 इंच है, और इसकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन 720x1600 HD प्लस डिस्प्ले के साथ है, जो कि इस प्राइस रेंज में ठीक है, लेकिन अलग दूसरे फ़ोन में भी हम लोग को इस प्राइस रेंज में फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है, तो यही इसका इसमें एक डिमेरिट है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इसको हम लोग बॉक्स को ओपन करते हैं। तो ओपन करते हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर मोबाइल देखने को मिलता है, जो कि एक कवर के साथ कवर करके अच्छे से रखा गया है। और इसके पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर कैमरा दिया गया है। यहाँ पर देखने में आप लोगों को दिख रहा होगा कि 4 कैमरा है, लेकिन असल में इसमें 2 ही कैमरा है। 2 कैमरा है, एक 13MP और एक 2MP का है, और नीचे एक LED लाइट है और एक सेंसर है, बस इतना ही है। और कैमरा पीछे से थोड़ा सा उठा हुआ है। और उसके बाद हम लोग को यहाँ पर इसके कुछ चिट्ठे मिल जाते हैं जिसमें भाषण लंबा चौड़ा लिखा है, और अगर आप लोग इसके बारे में और डिटेल्स आना है तो इस भाषण को आप लोग पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो मेरी तरह फेंक दीजिए। और उसके साथ एक सिम इजेक्टर टूल भी दिया गया है, जो कि आजकल हर फोन में दिया जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को एक 10W का चार्जर देखने को मिलता है, जो कि साइड में आप लोगों को दिख रहा होगा इसका पूरा डिटेल्स। और एक माइक्रो USB केबल मिलता है, जो कि आजकल लेकिन माइक्रो USB हर जगह देखने को मिल जाता है, लेकिन टाइप सी होने से थोड़ा सा अच्छा होता है। लेकिन चलिए बढ़ते हैं आगे तरफ, और इसके बाद डब्बा पूरा खाली। तो चलिए चलते हैं हम लोग मोबाइल की तरफ। तो अब मेरे हाथ पर मोबाइल आ चुका है, तो चलिए अब इसको ऑन करते हैं। तो देखते हैं इसमें अभी बैटरी है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसमें बैटरी है। तो यहाँ पर हम लोग का मोबाइल ऑन हो चुका है पूरी सेटअप के साथ। तो चलिए चलते हैं हम लोग इसके सेटिंग्स में और देखते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। तो इसके अबाउट फोन में जाके देखने को मिलता है हम लोग को MIUI 12, जो कि कुछ दिन के पहले के मोबाइल फ़ोन में सेटअप के साथ नहीं देता था, यानी कि MIUI 12 के साथ नहीं देता, अपडेट के साथ नहीं देता था। आजकल के जितने भी फ़ोन आएंगे रेडमी के, उसमें सब में MIUI 12 देखने को मिलेंगे, जो कि एक प्लस पॉइंट है कि आप लोगों को अपने डाटा खर्च करके अपडेट नहीं करना पड़ता है। और अगर यहाँ पर हम लोग इसके स्टोरेज की बात करें तो 64 GB है, जिसमें से 10 GB पहले से भरा हुआ है। और यहाँ पर ऑल स्पेक्स में आने के बाद हम लोग को देखने को मिलता है रैम, जो कि 4 GB है, और CPU जो कि है ऑक्टाकोर मैक्स, और क्लॉक स्पीड इसका है 2.30 GHz। और अभी हम लोग इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की चेक करेंगे कि कितना स्पीड है। तो यहाँ पर मैं सारा सेटअप कर लेता हूँ, तब तक के लिए वीडियो पर बने रहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फिंगरप्रिंट सेटअप हो चुका है। तो देख चलिए देखते हैं कितना स्पीड है इसका फिंगरप्रिंट। तो जैसे ही मैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट पर टच करता हूँ मोबाइल ऑन, ओह सॉरी, देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पर पीछे की तरफ इसका फिंगरप्रिंट सेंसर पर टच करता हूँ तो ये अंदर मोबाइल ऑन हो जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पीड है। तो अब हम लोग इसके सिम स्लॉट को देखेंगे कि इसमें किस तरह का सिम स्लॉट दिया गया है। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इसमें डुअल सिम स्लॉट प्लस एक डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड भी
दिया गया है, यानी कि इसमें आप लोग एक डुअल सिम के साथ साथ एक माइक्रो एसडी कार्ड भी लगा सकते हो, जो कि इसका एक प्लस पॉइंट है। क्योंकि आजकल के बहुत सारे मोबाइल फ़ोन में ऐसा फीचर्स देखने को नहीं मिलता, यानी कि डुअल सिम स्लॉट प्लस डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड एक ही साथ देखने को नहीं मिलता है, तो इसीलिए ये इसका एक मेरिट है। और अगर हम लोग इसकी कैमरा की क्वालिटी देखें, तो चलिए देखते हैं इसका कैमरा क्वालिटी कितना अच्छा है। चलिए देखते हैं, इसमें मैंने इसको क्लिक किया और अभी इसका हम लोग जूम करके देखते हैं कि कितना फटता है और कितना अच्छा क्वालिटी दिखता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसको जूम इन किया तो एकदम पूरा डिटेल्स के साथ दिख रहा है, यानी कि एक भी चीज़ नहीं फट रहा है। और अगर इससे ज़्यादा जूम तो होगा भी नहीं, तो इतना हो रहा है, उतना में तो हम लोग को इसका एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। और चलिए अभी थोड़ा बाहर की तरफ चलते हैं और इसके कुछ मोबाइल फोटोग्राफी, यानी कि इसका इससे कुछ फ़ोटो क्लिक्स करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि क्वालिटी कैसा आ रहा है। चलिए चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक फ्लावर का फ़ोटो खींचा है, जो कि आप लोग इसको जूम इन भी करेंगे तो फिर इसमें कुछ ज़्यादा नॉइजी और ज़्यादा 3GP टाइप का नहीं दिख रहा है, एकदम फुल एचडी में दिखाई दे रहा है। और वैसे भी पीछे हम लोग इसमें दो ही कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन जो कि आजकल मोबाइल फ़ोन में 4, 5, 6, 7 जितना भी हो सके कैमरा घुसा देता है, इसमें दो ही कैमरा हम लोग को देखने को मिलता है, उस हिसाब से कैमरा का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। तो चलिए अभी देखते हैं जितने फ़ोटो क्लिक किए हैं उसके क्वालिटी कितना अच्छा है। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने फ्लावर को फ़ोटो क्लिक किया है, इसको हम लोग जूम इन करके देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर दिख रहा है कैमरा के हिसाब से और फ़ोन के रेंज के हिसाब से। अब कुछ सेल्फीज मैंने इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा से क्लिक किए हैं, जिसमें से देख सकते हैं कि ये फ़ोटो जो कि मैंने रात के समय लिया गया है, देख सकते हैं इसको अगर हम लोग जूम इन करते हैं तो थोड़ा सा नॉइजी आता है। और दिन के समय का फ़ोटो देख सकते हैं जिसमें मैंने पोर्ट्रेट ऑन करके खींचा है, तो थोड़ा सा ज़्यादा नॉइजी देखने को मिलता है, जो कि 8 मेगापिक्सल के हिसाब से तो ठीक ही है, लेकिन आजकल के 10,000 रेंज में एक अच्छा खासा फ्रंट कैमरा का मेगापिक्सल देखने को मिल जाता है, जो कि इस फ़ोन के लिए एक डिमेरिट है। तो अभी मैं इसकी फाइनल रिव्यू के बात कर लेता हूँ कि आप लोगों को ये फ़ोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप लोगों को एकदम अर्जेंटली एक नया फ़ोन चाहिए तो आप लोग इसे ले सकते हो, क्योंकि इसमें डुअल सिम स्लॉट प्लस माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट भी दिया गया है, जो कि एक प्लस पॉइंट है इसका, और 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा से भी अच्छे खासे पिक्चर्स क्लिक हो जाते हैं रात के समय में भी। और अगर आप लोगों को एक अच्छा फ़ोन चाहिए मिड रेंज प्राइस के हिसाब से, तो मैं ये स्मार्टफोन आप लोगों के रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये फ़ोन उसे मिड रेंज के हिसाब से उतना खास नहीं है। और अगर आप लोग मिड रेंज में एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए लेना चाहते हो तो 11,000 से स्टार्ट है Poco M2, जो कि एक मिड रेंज में बहुत ही अच्छा फ़ोन है। तो मैं फाइनल में ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग को एक अर्जेंटली फ़ोन चाहिए तो ये फ़ोन आप लोग ले सकते हो, परचेस कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं तो आप लोग कुछ दिन रुक के 1,000 रुपीज़ कलेक्ट करके एक अच्छा स्मार्टफोन हासिल कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसे ही नए वीडियो डालूँ तो आप लोगों को पता चल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।